साथियों, क्या आप जानते हैं आपके पास सबसे बड़ी तिजोरी क्या है? मैं बताता हूं, वो है आपका ये दिमाग, क्योंकि यहां पर आपकी सारी संपत्ति रहती है। अगर आप हाथी के बारे में सोचें आंख बंद करके, तो दिमाग में तुरंत हाथी की तस्वीर उभर जाएगी, और शेर के बारे में सोचेंगे तो दिमाग में शेर का अक्स उतर आए। ठीक वैसे ही पैसे को लेकर भी यही बात लागू होती है। दौलत के बारे में सोचेंगे तो दौलत मिलती है, गरीबी के बारे में सोचेंगे तो गरीब। इंसानी दिमाग जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसकी रचना भी कर सकता है, यानी जो चीज आप इमेजिन कर सकते हैं अपने दिमाग में वास्तव में वो हो सकती है। तो कुछ भी हासिल करने से पहले उसका इमेजिनेशन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। चांद पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग नहीं गया था, चांद पर उसके जाने से पहले उसकी सोच पहुंच गई थी। उसके दिमाग में यह बैठ गया था कि एक दिन चांद की मिट्टी को छू के आना है। ठीक ऐसा ही हुआ। 20 जुलाई 1969 को वो चांद को छू आया। दोस्त, कहीं भी पहुंचने से पहले आपकी सोच का वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि 1969 की सुबह नील आर्मस्ट्रांग सुबह चाय पीते पीते उठा होगा, अपनी पत्नी को बोला होगा कि आता हूं जरा चांद पर होकर, ड्राइवर रॉकेट निकालो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा। दोस्तों, उसकी सोच चांद पर उसके जाने से कई बरस पहले पहुंच गई होगी। अगर अभी मैं आपसे कहूं कि आपको आपकी सक्सेस का एक ऐसा शॉर्टकट बता देता हूं जिसमें आपका एक नया पैसा भी खर्च नहीं होने वाला, आपको मेहनत तो बिल्कुल नहीं करनी, और आपकी सक्सेस की 101% गारंटी, तो आप क्या कहें? आप कहेंगे, अरे सोनू सर जल्दी से बताओ ना, यही तो जानना है कि जिसमें ना पैसा लगे ना ही मेहनत। तो दोस्तों, ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ दो शब्द का है, दो शब्द, और वो है पॉजिटिव थिंकिंग। ना ही इसमें आपका कोई पैसा खर्चा हो रहा है, ना ही कोई मेहनत आपको करनी है। शॉर्टकट बस इतना सा है कि इस साल के बचे हुए महीनों में अपने दिमाग को सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट से भर दीजिए। कोई भी नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में घुसने मत देना। अपने दिमाग के बाहुबली पहरेदार बन जाना और दिमाग पर एक कसा हुआ पहरा लगा देना, ठीक वैसे ही जैसे हिंदुस्तान का जाबाज सिपाही अपनी सरहदों पर पहरा देता है कि कोई भी गलत इंसान हमारी सरहदों में ना घुसने पाए, ठीक वैसे ही अपने दिमाग पर पहरा बिठा देना कि अगर गलती से भी कोई नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में आने की कोशिश भी करें तो उसे गर्दन से पकड़ लें और मार डालें। नेगेटिव विचार आपके साथ क्या कर सकते हैं आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा सोचें कि मानो किसी टेंशन की वजह से आपको सर में दर्द हो रहा है। बहुत बार होता है, टेंशन कोई भी हो सकती है, कोई आपके पैसे लेकर भाग गया, आपकी रकम डूब गई, या मान लेते हैं गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, आप बार बार फोन कर रहे हैं वो फोन नहीं उठा रही, आप मैसेज कर रहे हैं वो जवाब नहीं दे रही, आपका सर दर्द के मारे फटा जा रहा है, अचानक उसका कॉल आता है कि जानू मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और अभी तुमसे मिलने आ रही हूं, देखो अचानक आपके सर का दर्द गायब हो जाए। दोस्तों, इस बात में एक बड़ी गहरी बात छिपी है, बड़ा गहरा सीक्रेट छुपा है कि नेगेटिव थॉट्स आपके शरीर में रोग तक पैदा कर सकते हैं, और नेगेटिव थॉट्स हटते ही रोग भी खत्म हो जाते हैं। सबसे बड़ी गलती लोग जीवन में क्या कर रहे हैं, आज मैं आपको बताता हूं। अगर दिन में सिर्फ 30 मिनट पॉजिटिव सोचते हो और 15 घंटे नेगेटिव सोचते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद तो नहीं करते। थोड़ी सी पॉजिटिव थिंकिंग से पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते। यह ठीक ऐसा ही है जैसे थोड़ी सी डाइटिंग करने से वजन कम नहीं होता। मान लें आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, अगर आपने सुबह कम कैलोरी वाला हेल्दी ब्रेकफास्ट किया और फिर दिन भर पिज्जा आइसक्रीम जलेबी पर भुखड़ों की तरह टूट पड़े, तो क्या होगा? वजन कम होने की बजाय और बढ़ जाएगा। कुछ देर के लिए पॉजिटिव होने से काम चलने वाला नहीं है।